जो आ गया हमारे सामने ये पूरा पेपर बकायदा आके बोल दिया कि बच्चों को पास करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तभी तो इस स्टेज पे मंच पे हम लोग बैठे हुए और बोल रहे हैं ये क्यों लागू हुआ। आप जीती हैं इलेक्शन माइनॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कौम की वजह से, मैं बता रही हूँ 30% से ज़्यादा बंगाल में लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, मुसलमान कम्युनिटी से हैं, और भी लोग हैं जो हिंदी स्पीकिंग है, उनके सपोर्ट उनके सहयोग से आइए। तो बहुत लोग ऐसे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो बांग्ला भी बोलते हैं, बट बहुत लोग हैं जो उर्दू जुबान हिंदी जुबान बोलते हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग अपना दुकान खोल के बैठेंगे, उनकी तरक्की नहीं होगी, वो लोग उनका हक नहीं है कि वो सरकारी जॉब लें, उनको आगे पेंशन के लिए वो एलिजिबल हों, आगे वो बच्चों का थोड़ा भविष्य के लिए कुछ सोचें, उनका भी तो एक जिम्मा पड़ता है ना कि वो। हम लोगों को पता है WBCS का एक मुद्दा आया है कि बहुत पहले तो स्टेटस दिया गया हिंदी और उर्दू का कि आप सेकेंड लैंग्वेज हिंदी उर्दू ले सकते हैं, तो यहाँ पे इस इलाके में बालीगंज कंस्टिट्यूएंसी में बहुत लोग हैं जो उर्दू ज़ुबान के हैं, जो उर्दू पेपर पढ़ते हैं हिंदी। हम लोग एक बार बहुत क्लियर कर लेते हैं, हम लोग किसी ज़बान के ख़िलाफ़ नहीं है, ना हम बंगला के ख़िलाफ़ हैं, ना अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ है, ना हिंदी के ख़िलाफ़ है। हम लोग को ये है कि बंगाल में जो वायदा दिया था कि जो मदर टंग होता है या मादरी ज़ुबान जो होती है, अगर उर्दू किसी बच्चे का उर्दू है या हिंदी है, तो वो इम्तिहान जो है स्टेट बोर्ड का जो इम्तिहान दे सकता है, 12th का दे सकता है। अभी WBCA से बहुत लोग जो है नौकरियां ढूंढ रहे हैं, IAS ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक पाबंदी चल रही है कि आपको 300% जो नंबर में से एक काफ़ी आपको मतलब एक परसेंटेज लाना पड़ेगा, वो 300 मार्क्स का पेपर जो है वो कंपल्सरी कर दिया है। तो बताइए जो बच्चे शुरू से जो बांग्ला नहीं पढ़े उनके ऊपर बताइए पास होने की क्या उम्मीद है? तो ये हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, हम लोग किसी ज़ुबान के ख़िलाफ़ नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी और बाकी जो हिंदी स्पीकिंग वो जो जिनकी ज़बान हिंदी है और उर्दू है, तो अगर वो लोग कोई यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब WBCS या उसके लिए दाखिला चाह रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब सीख कर रहे हैं, तो उनका कहाँ है उनकी आप तो सरकार हो के उनकी चुनौतियों को और दुगनी तिगनी कर रहे हैं, उनको कैसे नौकरियां मिलेंगी? तो उसके ख़िलाफ़ हम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि ये जो कंपल्शन दिया गया है कि आपको ये जो है बांग्ला में इसमें आपको क्लियर करना पड़ेगा WBCS का एग्ज़ाम, तो ये बच्चों के लिए ऑलरेडी इतना प्रेशर हम जानते हैं, कोरोना काल में दो साल से ज़्यादा समय तक बच्चे वक्त से गए नहीं स्कूल, ऊपर से दुगनी टेंशन पड़ेगी कि भाई हम लोगों को जब तक ये मार्क्स क्लियर नहीं होगा हम लोग WBCS में कैसे हम लोग क्लियर करेंगे। तो यही हम लोग हैं, और आप देखिए ये सब स्पीकर्स बेहतरीन स्पीकर्स हैं, सब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि भैया के ये अमेंडमेंट करिए और इस नॉर्म जो आपने ये जो नॉर्म लागू करा उसको आप उसमें आप तब्दीली लाएँ, उसमें चेंज करें ताकि बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर ना आए। अभी ये जो आ गया हमारे सामने ये पूरा पेपर बकायदा आके बोल दिया कि बच्चों को पास करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तभी तो इस स्टेज पे मंच पे हम लोग बैठे हुए और बोल रहे हैं ये क्यों लागू हुआ। आप जीती हैं इलेक्शन माइनॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कौम की वजह से, मैं बता रही हूँ 30% से ज़्यादा बंगाल में लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, मुसलमान कम्युनिटी से हैं, और भी लोग हैं जो हिंदी स्पीकिंग है, उनके सपोर्ट उनके सहयोग से आइए। तो बहुत लोग ऐसे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो बांग्ला भी बोलते हैं, बट बहुत लोग हैं जो उर्दू ज़ुबान हिंदी ज़ुबान बोलते हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग अपना दुकान खोल के बैठेंगे, उनकी तरक्की नहीं होगी, वो लोग उनका हक नहीं है कि वो सरकारी जॉब लें, उनको आगे पेंशन के लिए वो एलिजिबल हों, आगे वो बच्चों का थोड़ा भविष्य के लिए कुछ सोचें, उनका भी तो एक ज़िम्मा पड़ता है ना कि वो बाकी लोग जो बंगाल में यहाँ पे मैं बता रही हूँ 100 सदी से ज़्यादा मतलब 3 पीढ़ी हो गई इनकी यहाँ पे दफनाए गए हैं, उनके पूर्वज दफनाए गए हैं, इतने सालों से ये लोग गवर्नमेंट जॉब्स में थे, पहले तो ये आई नहीं ये कड़ी, अभी ये कड़ी कैसे आ गई कि आपको ये पास करना होगा? और तो आप तो यहाँ पे उर्दू और हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं उन पर तो आप चुनौतियाँ उनके सर पर ढाल रहे हैं ना, तो उसके खिलाफ हम लोग जो हैं अपनी आवाज़ उठाएँ, बस ये कर रहे हैं कि ये जो निर्णय लिया है इसको रिवोक किया जाए, और ये जो हैं जो जैसे पहले था वही करें, ये नया अमेंडमेंट जो है ये जो है माइनॉरिटी के खिलाफ है, ज़बान के खिलाफ है, फिर हम दोहरा रहे हैं हम किसी भी ज़बान के खिलाफ नहीं हैं,
लेकिन अगर आप कोई रूल ऐसा लागू करेंगे जो हानिकारक हो और यहाँ पे जो है उर्दू स्पीकिंग हिंदी स्पीकिंग बच्चे जो हैं क्लियर नहीं कर पाएंगे इम्तिहान, तब उनके लिए आगे भविष्य में बहुत परेशानियाँ आएंगी। बस यही बात। अरे फार्म बिल्स रिवोक हुआ, काला कानून फार्म बिल्स आप किसानों पे थोप रहे थे, तो वो इतना आंदोलन हुआ, क्या क्या हुआ सबने देखा भारत में, किस तरह वो वापस हुआ ना, रिवोक हुआ। NRC का आप देखिए बार बार अनाउंसमेंट होता है, अमित शाह बोलते हैं NRC लागू करेंगे, हम यहाँ इलेक्शन में जो है NRC लागू करेंगे, यहाँ NRC लागू करेंगे, वहाँ करेंगे। लेकिन अगर इस मामले में एकजुट सारी सरकारें हो जाएँ, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंटर को अच्छे से चुनौती दे, अपोज करें, NRC कहाँ लागू होगा। लेकिन तब भी कोरोना काल से पहले हम लोग, और मैं ये नहीं कह रही कि माइनॉरिटी कम्युनिटी खड़ी थी, सब सेकुलर माइंडेड हिंदू हमारे भाई बहन, सिख भाई बहन, किसान भाई बहन, स्टूडेंट, सब बोल रहे थे ये काला कानून को वापस करो, ये जो NRC से ये जो लागू किया था। अभी सेंटर में आपको पता है उर्दू के खिलाफ क्या पॉलिटिक्स चल रही है, राजनीति चल रही है। उर्दू पहले पिक्चर हम लोग देखते थे, सब टाइटल्स आते थे उर्दू हिंदी में, उर्दू के सब टाइटल उड़ा दिए। अब स्टेशन का जो नाम होता है उर्दू में भी आता है, आप वो भी उर्दू के नाम भी स्टेशनों से हटा रहे हैं, आप औरंगजेब रोड को नाम उसका बदल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं अकबर रोड भी बदलेंगे, फिर बोल रहे हैं अलीगढ़ का नाम बदलेंगे, अलाहाबाद को प्रयागराज कर देंगे। तो आप जो, आपको इतनी नफरत है उर्दू ज़ुबान से, बंगाल में अपनी नफरत मत दिखाइए, बंगाल में उर्दू ज़बान हिंदी ज़बान के लिए नफरत मत दिखाइए। और ये सेंटर के जो ये जो कानून और ये जो उनकी जो नीतियाँ हैं जो उर्दू ज़ुबान के खिलाफ है, माइनॉरिटी के खिलाफ हैं, तो आपको तो और भी अपना सर ऊंचा करके बोलना चाहिए ये गलत है। और अगर हम पूरे बंगाल के भविष्य के लिए सोच रहे हैं, नौजवानों के लिए सोच रहे हैं, उसमें हमारे उर्दू और हिंदी ज़बान के बोलने वाले नौजवान और मेरी बहनें और छोटे भाई सब शामिल हैं, उन पे उनके सर पे ये चुनौतियाँ आप नहीं जो हैं थोप सकते।